आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप गूगल फोटो को यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको गूगल फोटो यूज करना नहीं आता है कि किस तरीके से गूगल फोटो में आप अपना फोटो वीडियो या कोई भी आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप किस तरीके से गूगल फोटो में अपलोड करेंगे। होता है ऐसे कि कहीं हम जा रहे होते हैं सफ़र में तो वहाँ पर मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है या मेरा मोबाइल गिर जाता है, फूट जाता है, स्क्रीन वो ख़राब हो जाता है या वैसे भी ख़राब हो जाता है, तो मेरे पास जो फ़ोटो या वीडियो होता है वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं और हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोटो था, डॉक्यूमेंट था, वीडियो था जो मैं इतना मेहनत से शूट किए हुए थे वो सारे के सारे मोबाइल चोरी होने की वजह से मेरा सब के सब बर्बाद हो गया या मोबाइल ख़राब होने की वजह से मेरा सारा के सारा वो जो बर्बाद हो गया। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल फोटो को यूज करेंगे और उसमें आप अपना जो भी फ़ोटो डॉक्यूमेंट या वीडियो रखिएगा वो ज़िंदगी भर के लिए आप उस आपको वो गूगल फोटो में सेफ एंड सिक्योर रहेगा और वो जो है कोई भी हैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो गूगल का अपना एप्लीकेशन है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना शानदार ये एप्लीकेशन है और इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता है। सोराज, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताऊँगा किस तरीके से आप गूगल फोटो को यूज करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका मोबाइल ख़राब भी हो जाता है तो आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें आप जो है जो भी फ़ोटो वीडियो ऑडियो या कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं आप जो पुराना वाला मोबाइल में रखे थे अगर वो आपका ख़राब हो जाता है तो आप नया वाला मोबाइल लेते हैं तो उसमें आप वही फ़ोटो वही वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए थे वो सारे के सारे आपको नए वाले मोबाइल में मिल जाता है। तो वो कैसे मिलेगा, क्या करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप नया वाला मोबाइल लेते हैं तो उसमें भी आप जो पुराना वाला मोबाइल में रखे थे वो सारे के सारे आपको नया वाला मोबाइल में मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ़ोटोस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो आपको सभी मोबाइल में मिल जाता है। अगर आपको ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन नहीं मिलता है तो प्ले स्टोर में डालिएगा गूगल फोटोज़ तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ प्ले स्टोर के मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर देखिए कि मैं पहले से डाल रखा हूँ तो यहाँ पर गूगल फोटो का है तो मैं इसको जो अपडेट कर रखा हूँ तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी ऑप्शन आएगा, अगर आपको मोबाइल में नहीं मिलता है तो सिंपली क्या करना है आप इसको ओपन कर लीजिए डाउनलोड करके या अपडेट करके, ठीक है। ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आइकन बना हुआ है तो इस आइकन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं चूज एन अकाउंट, तो सबसे पहले जो है आपको अकाउंट इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ये अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा तो अगर आप नया मोबाइल में आप लॉगिन होते हैं, अगर आपका पुराना मोबाइल ख़राब हो जाता है तो ये आप अकाउंट डालिएगा तो वहाँ पर आपको जो भी फ़ोटो वीडियो इस मोबाइल में रहेगा वो सारे के सारे आपको नया मोबाइल में भी शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चूज एन अकाउंट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना अकाउंट चूज कर लेना है कि आप कौन सा अकाउंट आपका है, तो वो अकाउंट आपको इसमें से चूज कर लेना। जैसे चलिए हम यहाँ पे ये अकाउंट को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे अकाउंट चूज करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका अकाउंट आ चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पर बैकअप का है। तो यहाँ पर देखिए डू नोट बैकअप और यहाँ पर देखिए टर्न ऑन बैकअप। बैकअप का मतलब ये है कि आप जो भी अपने मोबाइल में जो भी आपका फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट है या वीडियो है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बैकअप होता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर डोंट नोट बैकअप पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है फ़ोटो या डॉक्यूमेंट वीडियो को जो है आपको गूगल फोटो में लोड करने के लिए बार बार इसको जो है अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर टर्न ऑन बैकअप कर देते हैं तो आपको जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जो भी आप क्लिक कीजिएगा फ़ोटो या आपको मोबाइल में रहेगा वो सारे के सारे ये अपना ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेता रहेगा। सिंपली हम यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो इसको आपको ऑन ही रखना है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए हाई
क्वालिटी, ओरिजिनल और यहाँ पे बैकअप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अगर आप उसी क्वालिटी में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हाई क्वालिटी आपको चूज कर लेना है। इस तरीके से यहाँ बैकअप को इनेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्फिग क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए कि गेटिंग योर फोटो, आपका फोटो को यहाँ पे है जो बैकअप ले रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सर्च का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है अपना कोई फेवरेट है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, यहाँ सेल्फी का मिल जाएगा, यहाँ वीडियो का मिल जाएगा और यहाँ पे फोटो स्कैन और यहाँ पे फोटो मोशन फोटो मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से लाइब्रेरी पर जाएंगे और लाइब्रेरी पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कि आपको जो भी फोटो जो है डिलीट रहेगा वो आपको यहाँ पे बिन वाले में आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप इसमें जो भी आप फोटो क्लिक किए रहेगा वो आपको यहाँ पे बिन वाले में मिल जाएगा और वो जो है यहाँ पे आपको 60 दिन तक रहेगा। 60 दिन के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो 60 दिन के अंदर में आप चाहते हैं कि फोटो को हम रिकवरी कर ले तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ फेवरेट है और इस पर क्लिक करके अपना जो फेवरेट रहेगा इसमें आपको शो कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो है, फोटो वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से फ्री अप स्पेस है, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी स्पेस आपको फ्री रहेगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं फोटो सेटिंग का, आपको फोटो सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हार्ड वीडियो कर सकते हैं और यहाँ से हार्ड फोटो कर सकते हैं। आप जो है गूगल फोटो में भी आप यहाँ से हार्ड और अनहार्ड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर गूगल लेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और गूगल लेंस का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा फोटो का यहाँ पर बैकअप हो रहा है साइड में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ वाला आइकन जो है साइड में, इस वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐड पार्टनर अकाउंट, तो यहाँ पे आप अपना पार्टनर का अकाउंट ऐड कर सकते हैं और अकाउंट ऐड कीजिएगा तो जैसे आप गूगल में कोई फोटो डॉक्यूमेंट या कोई वीडियो रखिएगा तो वो आपके पार्टनर के साथ भी शेयर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है शेयरिंग। तो आप अपना कोई पार्टनर है, जैसे कोई फ्रेंड है या आपका वाइफ है या आपका कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसका जो है आप इसमें अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसमें एक अकाउंट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर शेयरिंग योर लाइब्रेरी और यहाँ गेट स्टार्ट वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, या परमिशन को आपको अलाउ कर देना है और इसमें आप किसको जो है ऐड करना चाहते हैं उसको आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जिसके इसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको इसके साथ सेलेक्ट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए कि वो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट ऊपर में आ चुका है। यहाँ पर देखिए ऑल फोटो और दूसरा है फोटोज़ ऑफ स्पेसिफिक फेसेस, तो आपको पहले वाला ऑप्शन पर टिक रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट आ चुका है। यहाँ सेव इनविटेशन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिएगा तो ये आपका जो है वहाँ पर जो है शेयरिंग वाला में सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि आप जिसको भी ऐड किए वो यहाँ पर शेयरिंग वाला में ऐड हो चुका है। यहाँ पर अदर शेयर लिंक पर आप दूसरों को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। आप फोटो अगर आप जो है इसको शेयरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पार्टनर शेयरिंग वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे आपको ओपन होकर आ जाता है। आप इसके साथ जो है अपना फोटो आप शेयर कर सकते हैं या आप जो फोटो क्लिक कीजिएगा वो सेव कीजिएगा वो उसके साथ भी शेयर होगा जिसको आप ऐड किए हैं। जैसे हमको ये फोटो को सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आ चुका है फोटो सेलेक्ट का। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके साथ आप फोटो को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और जितना भी आप फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा वो इस तरीके से फोटो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको देख रहे हैं कि रिमूव करके, यहाँ से इसको आप रिमूव करके हटा सकते हैं तो इसको बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसको कैंसिल करूँगा और यहाँ पर देखिए कि आप जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ ऑप्शन सेटिंग का मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन यहाँ पर आज, तो इसके साथ जो है आपको फोटो शेयर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिमूव करके हटा भी सकते हैं तो इस थ्रेड पे क्लिक करेंगे, स्टॉप शेयरिंग योर फोटो पे क्लिक करके आप जो भी फोटो शेयर किए यहाँ से स्टॉप करके वो फोटो को आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। वो फोटो जो है इसके साथ शेयर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम फोटो को शेयर करें तो इसी तरीके से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप पार्टनर के ऐड करेंगे, ठीक है, या अदर लिंक वाले पर जाएंगे और यहाँ से भी आप उसको
लिंक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट शेयरिंग वाले पर आपको क्लिक करके आप जो है यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ देखिए कि मेरा बैकअप अभी इतना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। फोटो वाले भी क्लिक करके आप इसमें जो फोटो आपका है बैकअप हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पे इतना MB का हो चुका है बैकअप अभी तक। और यहाँ पर देखिए बैकअप यहाँ पर आइटम यहाँ पर लिखा के आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका स्टोरेज भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्री स्पेस है, यहाँ पर देख रहे हैं कि योर डाटा इन गूगल फोटो, और यहाँ फोटो सेटिंग वाले पे क्लिक करके आप अपना फोटो को सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हूँ। तो इस तरीके से गाइस इसमें कुछ ऑप्शन खास नहीं है, इतना ही है। तो इतने को आप जो है यूज कर लीजिए, आपका ये फोटो जो है हमेशा के लिए परमानेंटली जो है आपका सेव रहेगा। तो इस पर क्लिक करके आप इस तरीके से फोटो को जो है यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसमें एल्बम बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मूवी कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, और यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये अपना एप्लीकेशन है, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा और कितना बढ़िया ये एप्लीकेशन है। सो गाइस बहुत ही आसानी से आप गूगल फोटो में अपना फोटो डॉक्यूमेंट या कोई वीडियो आप इसमें रख सकते हैं हमेशा के लिए। ये यहाँ से आपको कभी भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे मैं कुछ एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ जो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ लाइब्रेरी पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ के ऑप्शन मिल रहा होगा यूटिलाइट्स, यहाँ यूटिलाइट्स वाले पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद मैं पहले बताया था कि ऐड पार्टनर अकाउंट पर आप करके यहाँ से अपना पार्टनर को भी ऐड करके जो भी फोटो आप सेंड कीजिएगा अब वो पार्टनर को भी जाएगा और आपके गूगल फोटो पे भी रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एनिमेशन का है, यहाँ से आप अपना एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ फोटो हम इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आज का है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट वाले पर क्लिक करके अपना यहाँ पर देखिए आपका एनिमेशन यहाँ पर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये एनिमेशन है जो एनिमेशन में आपका फोटो आ चुका है। इस तरीके से यहाँ कॉलेज का ऑप्शन है, यहाँ पर इस तरीके से आप एल्बम बना सकते हैं, इस तरीके से अपना मूवी भी तैयार कर सकते हैं। तो मूवी वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना एक मूवी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ न्यू फिल्म वाले पे क्लिक करके यहाँ फिल्म तैयार कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ क्रिएट वाले में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ फिल्म जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे तैयार हो रहा है, यहाँ पे फिल्म आपका बन रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ से फिल्म भी बना सकते हैं। मूव फोटो टू एचिव, यहाँ से आप एचिव में भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है बैकअप डिवाइस फोन। तो इस तरीके से इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपके जो है गैलरी में जिसे आप कोई भी बैकअप करना चाहते हैं किसी फोल्डर का, तो उसको आप बहुत ही आसानी से बैकअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए जेड पिक्स का है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से आप इसको इनेबल कर दीजिए। अब जो भी फोटो आप इसमें रखिएगा वो ऑटोमेटिकली जो है आपको यहाँ बैकअप एंड सिंक होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इस फोल्डर को बना के भी आप देख रहे हैं इस तरीके से फोल्डर है। अगर चाहते हैं कि हम इसको बैकअप ले तो इस तरीके से कर दीजिएगा, जो भी अपलोड कीजिएगा तो वो आपका गूगल फोटो में भी आपका ये अपलोड हो जाएगा वीडियो। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ आइकन बना हुआ है इस तरीके से, तो इस पर क्लिक करके आप इसको बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नाउ कर दूँगा। तो इस तरीके से सभी का बैकअप जो है मेरा जो है गूगल फोटो में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जो भी फोल्डर का बैकअप बनाना चाहते हैं इस तरीके से अलाउ कर दीजिए। और इस तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूं और मेरा और भी है तो मैं इसको भी बैकअप बना लेता हूं। तो इस तरीके से आप जो है बैकअप बना लीजिए, जो भी फोल्डर का बैकअप बनाना चाहते हैं बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको बैकअप बना सकते हैं और वो जो है आपका हमेशा रहेगा। कभी आपको गूगल फोटो पर से आपको जो है ये नहीं उड़ने वाला, नहीं डिलीट होने वाला है। सो इस तरीके से आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको बैकअप बना सकते हैं। आता है यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपना फ़ोटो को आप जो है बैकअप कर सकते हैं, अपना जो फ़ोटो है उसमें अपना जो फ़ोटो जो है आपका गूगल फोटो में सेव करके रख सकते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। आप नया फ़ोन लीजिएगा उसमें भी आपको जो है जो आईडी दिए थे वो आईडी नया फ़ोन में डालिएगा, तो जितना आप इसमें आपका जो है सेव है फ़ोटो वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट वो आपको नया मोबाइल में आ जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना फ़ोटो डॉक्यूमेंट या वीडियो को सेव एंड सिक्योर रख सकते हैं। और ये गूगल का अपना एप्लीकेशन है तो इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।